उत्तराखंड में रोजगार और पलायन दो ऐसे विषय हैं जिनमें हमेशा चर्चा होती है और वो राजनीति के विषय भी रहे हैं। हरीश रावत जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय एक शराब की ब्रांड जिसे हरीश रावत से जोड़ के बताया गया डेनिस, और यहाँ तक कि उनका नाम भी डेनिस रावत रख दिया गया, बड़ी चर्चा में रही। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में एक और शराब की ब्रांड जिसका नाम हिल टॉप है, वो भी चर्चा में है। दिखती है भाई, क्यों नहीं दिखती कि उससे पहले प्रिंसिपल को कॉल कर दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं होता भाई साहब। आप एक बार जनहित याचिका डाल, सोशल मीडिया में उसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। वो हिल टॉप जो ब्रांड है उसकी बॉटलिंग प्लांट जो है वो देवप्रयाग में यहाँ पे लगा हुआ है। देवप्रयाग आप जानते हैं कि गंगा के संगम के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी होने लगी है क्योंकि कांग्रेस के जमाने में बीजेपी ने शराब का विरोध किया, तो अब बीजेपी के जमाने में उनके शासनकाल में कांग्रेस बीजेपी की टांग खींच रही है। लेकिन इसमें दूसरा पहलू यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग, इस प्लांट से यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है और कम से कम 150 से 200 लोग इस प्लांट से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आगो उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहा है, आज फिर एक ऐसे मुद्दे पर आपसे मुखातिब है जिसके लिए हमेशा पहाड़ के लोग चर्चा करते हैं, वो है रोजगार। और ये जो प्लांट यहाँ पे देवप्रयाग के पास लगा हुआ है, चाहे इस पे कुछ भी राजनीति हो रही हो, लोग बोल रहे हो कि शराब पहाड़ को परोसी जा रही है, लेकिन इसका जो धनात्मक पहलू है वो ये है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिला हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर देवप्रयाग के लोग हैं, जो ये डडुआ जगह है उसके लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कोई रोजगार उनको यहाँ पे मिल रहा है और कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और हालांकि शराब पे हमेशा राजनीति होती है, आपको रोजगार मिला हुआ है तो आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर हम लोगों के लिए रोजगार मिला है जी। नहीं तो बाहर जाते थे, श्रीनगर कृष्णनगर देवता साइड में आने जाने में, खाने पीने में पूरा पैसा हो जाता था। यहाँ पर हमारे को पैसा सही मिल रहा है सर जी, अपना परिवार का लालन पालन अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी है कि यहाँ पर हमारी रोजगार के साधन खुला है। मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं भी हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, आप क्या बोलना चाहिए? कितनी महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे, और कितनी आपको यहाँ पे तनख्वाह या दिहाड़ी मिल जाती है? दिहाड़ी तो साढ़े 3 कम से कम 15-20 लड़कियाँ भी हैं, लेडीज हैं और लड़के भी हैं, और 100-200 करीब करीब यहाँ काम करते हैं। और मतलब हमें यहाँ तो ये जो प्लांट खुला है इससे तो काफ़ी फायदा है, एक एक परिवार के 2-2 आदमी भी लग रखे हैं। मतलब हमें बहुत बेरोजगारी थी, फैल रखी सर, सारे परेशान थे, जब जाके यहाँ प्लान बनवाया गया, इसलिए हमें काफ़ी फायदा है। इसमें जो जमीन दी है वो किन लोगों ने दी है, यहाँ कितने लोगों ने जमीन भी दी होगी इसके लिए? काफ़ी आधे गांव तो इसमें यहाँ भी दिया, किसी ने जमीन ऊपर वालों ने भी दी, भंडाली वालों ने, तो काफ़ी जमीन मतलब भी दी है यहाँ। बच्चों को रोजगार मिल रहा है इससे तो खुश है आप जी? तो ये आपने देखा कि यहाँ पे करीब 150 से 200 लोगों को यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल गया है, और यहाँ पे एज ए वर्कर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जागो उत्तराखंड का सभी लोगों से अनुरोध है, खास तौर पे जो पहाड़ के हैं, पहाड़ से बिलोंग करते हैं और जो पहाड़ का भला चाहते हैं, कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी राजनीति न होने दे, क्योंकि अगर पहाड़ों में रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, यहाँ उद्योग धंधे प्लेन से ऊपर चढ़ के पहाड़ों में नहीं लगेंगे, तो कुछ सालों के बाद पहाड़ में यहाँ कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, और फिर अगर हम पलायन पे चर्चा करें उसका कोई मतलब नहीं होता। ये प्लांट जब पूरी तो चलेगी 200-250 के ऊपर आदमी काम करेगी यहाँ पे जब पूरी, बट ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो ट्रायल हो रहा है, जब फुल फ्लेज चलेगी, और हमारा तो यही प्रोजेक्शन है कि ये प्लांट आगे और भी इसकी एक्सपेंशन हो जाए, मैंने जगह रखा हुआ है ताकि यहाँ के लोग, लोकल लोग को एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे तो कुछ इंडस्ट्री है ही नहीं, तो इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल विलेजर्स जो आदमी यहाँ पे है,
शराब होता है, विस्की वगैरह जो भी है, इसकी खाली बॉटलिंग होगी, बाहर से स्पिरिट आएगी इसकी। स्पिरिट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, यहाँ पे स्पिरिट वेरियस टाइप की स्पिरिट को हम डाइल्यूट करके डीएम वाटर से ब्लेंडिंग करके इसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाना है, विस्की हो, ब्रांडी हो, रम हो, माने यहाँ पे एसटीपी है, ईटीपी है। ईटीपी ऐसा तो पोल्यूशन कुछ नहीं है, यहाँ पे जो बॉटलिंग होती है इसमें कोई पोल्यूटेंट है ही नहीं, ये तो इसमें जो अल्कोहल है बना बना के आते हैं, यहाँ पे तो खाली पानी मिक्स करो और उसको बॉटलिंग करो, तो यहाँ पोल्यूटेंट तो नहीं है। बट फिर भी जो अगर कोई धुलाई वुलाई होता है उसका भी हम ट्रीटमेंट का प्लांट यहाँ पे ईटीपी लगा हुआ है, और ईटीपी के जो पोल्यूशन की नॉर्म्स है वो पूरी 100% मीट करेगी। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के सोलन में शराब के प्लांट लगे हुए हैं, बॉटलिंग प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, अगर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जागो उत्तराखंड के लिए देवप्रयाग से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।